नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल राइट। मदन मोहन वेलफेयर सोसाइटी ने कम्युनिटी कंपोस्टर पर लोगों को किया जागरूक। बरेली से अमरजीत की रिपोर्ट। पहले मैं भाई साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने थोड़े से बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए समय निकाला और यहाँ आए। और जो मैं सबसे पहले नगर, मेरा नाम सुधा सक्सेना है, मैं मदन मोहन वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष, और मैं सबसे पहले नगर निगम का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो स्वच्छता अभियान की जो पहल की है, जो अमृत उत्सव चल रहा है इस समय 27 तारीख से, एक सप्ताह का है, और स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो उन्होंने कम्युनिटी कंपोस्टर जगह जगह जो रखे गए हुए हैं, उन्होंने सब जगह रखे हैं। और मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जो हम लोग घर में कूड़ा निकालते हैं, कचरा, जो कूड़ा कचरा इकट्ठा हम लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं, वो हम इकट्ठा ना फेंक के हम उस कचरे को अलग अलग भी घर में रख सकते हैं। कई पॉलीथीन, दो तीन पॉलीथीन बनाए, एक में गीला एक में सूखा, जो हम किचन में सब्जी काटते हैं, फल काटते हैं, लहसुन प्याज अदरक आलू जो भी सब्जी है वो काटते हैं, या अंडे के छिक्कल है, यदि नॉन वेज खाते हैं तो हड्डियाँ हैं जो बचती हैं खाने के बाद, और अंडे के छिक्कल, प्याज लहसुन सब कुछ जो भी है वो गीला, उसमें गीले कचरे में आता है, उनको हम एक पॉलीथीन में रखें, जिससे कि जो हमारे यहाँ डोर टू डोर जो लेने आते हैं कचरा, उनको भी परेशानी नहीं हो। क्योंकि जो पहल नगर निगम ने की है कि यदि हम कचरा डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो उसको, वो लोग नगर निगम वाले कर्मचारी जो हैं वो उनको अलग करते हैं, तो ये जब वो अलग करें उससे पहले हम लोग भी अपने कुछ, हमारा दायित्व भी बनता है कि स्वच्छता हमें भी अच्छी लगती है, तो जब हम अपने घर से शुरुआत करेंगे तभी हम आगे भी ये प्रोसेस करेंगे, और आगे तभी हमारा एक राष्ट्र स्वच्छ बनेगा। बरेली भी को हम स्मार्ट बनाना चाहते हैं, हमारे मेयर गौतम जी बहुत प्रयत्नरत हैं, हमारे यहाँ के विधायक जी भी सभी चाहते हैं कि हमारा बरेली स्मार्ट बने, तो उसमें दायित्व तो हमारा भी बनता है कि हम भी अपने अपने बच्चों को भी ये दें कि जो कचरा है वो गीला गीले में रखें, और सूखे में जैसे गत्ता है, सूखे में कांच के टुकड़े हैं, जो निडल्स होती हैं, वैक्सीन लगती हैं, यदि वो कहीं पड़ी हैं वो अपने एक जगह रखें, उसमें सूखे में कांच है, और क्या कहते हैं, थर्माकोल है, प्लास्टिक है, और सभी चीज़ जितनी भी हैं, आप ये सोचो कि ये पानी की जो बॉटल जो हम लोग पी के और फेंक देते हैं वो, उसकी भी यदि आप माने तो उसमें भी आपको, आप जब देंगे तो उसमें भी आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने उसको फेंक दिया, उसकी भी वैल्यू है, ये हर चीज़ कचरे की वैल्यू है। उस कचरे से हम लोग क्या करते हैं, घर में खाद बनाते हैं। इसी तरह से कम्युनिटी पोस्टर जो है, इसमें हमारे, हमने इसमें एक में गीला एक में सूखा है, जब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम ये दूसरा स्टार्ट करेंगे, और वैसे मैंने यहाँ स्टार्ट कर दिया है, इसमें ये पूरा कचरा भरा हुआ है, नहीं भूलेगा ये देखिए, इसमें मैंने सब कचरा भरा हुआ है, इसमें मैंने प्लास्टिक नहीं है, इसमें एक भी प्लास्टिक नहीं है, और सिर्फ पत्ते हैं, और जो हमारे किचन का खाना जो बचा हुआ था वो खाना है, और जो वेस्टेज जो खाना होता है भाई, जो सड़ जाता है वो हम जानवरों को भी नहीं खिला सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे एक सड़ा के खाद बनाना चाहते हैं, जो ये इससे खाद बनेगी वो हमें शुद्ध खाद मिलेगी, वो हमारे खाद हमारे घर में भी आ जाएगा काम, क्यारी में भी हम डाल सकते हैं, अपने गमले में भी डाल सकते हैं, और हम इसको बेच के अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे गीता पार्क में, ये हमारा एक क्या लिखा हुआ है, कम्युनिस्ट कंपोस्टर रखा हुआ है, जो हमें नगर निगम से दिया गया है, ये इसमें गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग डालना है। मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें, इसमें गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग डाला जाए, इसमें खाद बनेगी जो यहाँ के पेड़ पौधों के लिए काम आएगी और हरियाली अच्छी होगी, इसीलिए आप इसमें ध्यान रखें। हमारे विधायक जी और गौतम जी और कुकी जी जो सर हैं हमारे, इन लोगों ने बहुत यहाँ पे प्रयास किया है, इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, कृपा करके आप लोगों के साथ के बगैर हम लोग यहाँ ये कार्य पूर्ण नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें और सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग डालें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ममता जायसवाल है और मैं मदन मोहन वेलफेयर सोसाइटी में कोषाध्यक्ष की पद पर हूँ। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग गीला कूड़ा
और सूखा कूड़ा अलग अलग उसमें रखिए। यहाँ पर जो कंपोस्टर लगा है अगर आप लोग इसमें डालेंगे तो इसमें जो जैविक खाद बनेगी वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक वैसी खाद होती है वो हार्मफुल होती है पौधों के लिए। और आप लोग घर में भी अपने ऐसा अलग अलग डस्टबिन में कूड़ा इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे फलों के और सब्जियों के जो कूड़ा होता है छिलके वो भी डालें, उसको अलग डस्टबिन में रखें और सूखा कूड़ा अलग उसमें रखें। उससे हम लोग को ये फ़ायदा होगा, केक तो अगर हम लोग घर में क्यारी है बना रखी है तो हम उसमें भी वो खाद डाल सकते हैं, और यहाँ पर भी कंपोस्टर में डालेंगे तो हमारे पार्क में ये बहुत अच्छा फ़ायदेमंद साबित होगा। मेरा यही निवेदन है कि आगे सब लोग यही सब करिए, थोड़ा सा जागरूक हो जाइए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद।